ब्लश तो कैसे है आप सब लोग आई होप यू आर डूंग वेल गाइज आज की वीडियो स्पेशल इसलिए है बिकॉज ये जो मैं प्रोडक्ट आप लोगों को आज दिखाने जा रही हूँ ना ये प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है यह नहीं है यही आप लोगों को पता चलने वाला है और मुझे जो लोग देख रहे हैं ना और साथ ही में अगर आप प्रोफेशनल्स मुझे देख रहे हैं तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट है गाइज क्यों क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू करने वाली हूँ रिकॉर्ड का ये प्रोफेशनल लिप पैलेट गाइज आज इस लिप पैलेट का देखेंगे कौन कौन से लिप शेड इसके अंदर है कितने लिप शेड इसके अंदर है और क्या ये वर्थ है लेने में या फिर नहीं क्या इस पर इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें अब यार देखो ऐसा है बिफोर इट मेक श्योर गाइज न्यूज टू माइ चैनल फर्स्ट क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन दैन क्लिक ऑन नोटिफिकेशन बेल

ऐसा मत समझना कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है काश उन लोगों ने स्पॉन्सर्ड कर दी होती तो क्या ही बात था बट दिस वीडियो इज टोटली अ रॉ वीडियो इट्स माई रिव्यू ऑन दिस पैलेट बिकॉज़ क्या है ना जब मैंने ये पैलेट लिया था तो मुझे ऐसा लगा कि ये पैलेट होना ज़रूरी है सबसे पहले तो और दूसरी चीज़ ये कि मुझे इसके जो ड्रॉबैक्स हैं या फिर इसके जो बेनिफिट हैं वो कुछ खास नहीं पता थे ठीक है तो मैंने ये ले लिया है लेकिन मुझे इसका एक्चुअल में रिव्यू इसलिए देना है ताकि ये और लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सके आर यू गोइंग टू बाय दिस और नॉट सबसे पहले हम बात करेंगे इसके आउटर पैकेजिंग के बारे में uh, ये आउटर पैकेजिंग जो है कार्ड की है जिसमें आपको पिंक और सिल्वर कलर का रिफ्लेक्शन मिल जाएगा साथ में रिकॉर्ड ब्रांड का नाम लिखा है नीचे 18 कलर लिप पैलेट ऐसा लिखा है मैट बैक साइड पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि एक्चुअल में लिप पैलेट क्या है और इसमें क्या uh, कौन, कौन सी कौन सी शेड आपको दी गई है ठीक है तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है बट ये इसका आउटर कवर है और अंदर का पैलेट ऐसा है बिल्कुल सेम जैसा आउटर पैकेजिंग है वैसे ही अंदर की पैलेट है सो दिस इज़ हार्ड कार्डबोर्ड पैकेजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल और ये जब मैं इसे ओपन कर रही हूँ तो ये देखने में कुछ इस तरीके से दिखता है सो आई होप गाइज आप सारे कलर बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे ठीक है सो so, देखने में तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लगता है और इसके आउट पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा लग्जूरियस है काफ़ी कलरफुल रेंज है इसमें लिप्स की लिपस्टिक की सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लिप शेड्स इन दिस पैलेट दे हैव अ न्यूट्रल शेड्स क्लासिक रेड शेड पीच शेड एंड ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल ब्राउन फैमिली जो लिप शेड होती है वो है ऑल्सो द रेड Uh, and uh, white and black and yellow and blue, guys. So, if you are a beginner, then it's little, you know, tough to understand why they give this black and white and blue and yellow shade. But if you are a professional, then you must have why they give this white and uh, black shade or yellow shade and all kind of a shades. सो so, सबसे पहले इस तरीके की शेड्स है इसमें सारी बहुत ही प्रिटी शेड्स हैं सारी बहुत ही जो आजकल ट्रेंडी शेड्स है वो हैं इसमें ठीक तो है तो गैस ये रिकॉर्ड का पैलेट है एंड रिकॉर्ड रिन ब्रांड है अच्छा खासा आजकल तो इंडिया में बहुत ज़्यादा ये चल भी रहा है ठीक है इंस्टाग्राम पे तो बहुत ही वायरल ब्रांड है ये इफ़ ये प्रोफेशनल इफी अवर मेकअप आर्टिस्ट तो आपको एक लिप पैलेट ऐसा चाहिए होता है हालाँकि आपके पास बहुत सारी लिप शेड्स होती है बट आपको एक लिप पैलेट ऐसा चाहिए होता हो, है जो यूजफुल हो जिसमें आप मिक्स से मैच करके अपने एक शेड बना सको अपने एक कलर बना सको मेकअप लुक्स के अकॉर्डली आए तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसमें जितने भी एटीन कलर्स हैं ना वो सारे मैट है मैट का मतलब ये नहीं क्रीमी मैट है या फिर या लाइट वेट मैट है इट्स अ प्रॉपरली मैट मैट शेड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन विंटर्स तो विंटर्स में गए इसके जो कलर हैं ना वो प्रॉपरली से मोल्ड uh, हो जाते हैं अकॉर्डिंगली लाइक स्टिफ हो जाते हैं इसके कलर्स निकालना मुश्किल है लिप पैलेट के ऊपर ठीक है या फिर आप uh, कोई भी अगर स्पैटुला से अगर निकालते हो या फिर हाथों पर इसे ब्लेंड करते हो तो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू ब्लेंड इट बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन द समर तो ये यू नो एक क्रीमी टेक्सचर में आ जाते हैं बट इन द मैट फॉर्म आप समझिए बात को विंटर्स में एक्चुअली कॉस्मेटिक्स जो है थोड़ा थोड़ा सा हार्ड होना शुरू हो जाता है एंड समर में ये थोड़ा थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट पर रहता है But this brand is really like a dope in the summer. Because हमें समझ में ऐसी ही मेटिफाई शेड्स चाहिए जो लिप से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए तो ये वो लिप पैलेट है बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इन द विंटर्स विंटर्स में इसको ब्लेंड करना थोड़ा सा टफ है ऑल्सो इट लुक्स वेरी रफ ऑन द लिप्स सम टाइम्स बट इफ यू एड समथिंग या सम टेक्सचर आप इसमें ऐड करोगे तो माइंड में इट विल बी वर्क तो इट डिपेंड्स अपॉन यू दैट कि आप कैसे एक मेटिफाई लिपस्टिक को लिप्स पे लगा करके इसे वर्क फुल बना सकते हो आई थिंक समर्स और विंटर्स दोनों में ही चलने वाला लिप पैलेट है बस विंटर्स में आपको थोड़ा सा इसके लिए हल्की सी मेहनत करनी पड़ेगी एंड दैट्स इट इफ यू आर अ बिगनर एंड इफ यू वांट टू गो अ लिप पैलेट तो दिस पैलेट इज नॉट एड ऑल फॉर यू बट इफ इफ एंड इफ यू आर इन अ ब्यूटी इंडस्ट्रीज ऑफ दिस पैलेट इज डेफिनेटली फॉर यू यू कैन गो विद दिस पैलेट बिकॉज आप इसमें से देख सकते हो जितनी भी शेड्स है आपकी दिस वाइट ब्लैक ब्लू एंड येलो आप इसका अच्छा खासा यूज कर सकते हो अपनी कोई भी लिप शेड बनाने के लिए तो तो ये ये जो लिप पैलेट है ना गाइस हो तो नहीं लेना बट अगर लेना चाहते हो तब भी ले सकते हो क्योंकि इसमें से जो सॉरी इसमें जो टेन शेड्स है वो आपके काम की है बाकी की शेड्स आपके उतने काम में नहीं आएंगी या फिर मैं बोल सकती हूँ इसमें ट्वेल्व शेड्स आपके काम की है बाकी की उतनी काम की नहीं है ठीक है इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द तो क्वालिटी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है गाइस लिप पैलेट की बहुत अच्छी क्वालिटी है जैसे कि मैंने बोला कि सुपर हार्ड मैट लिपस्टिक्स है इसमें डोंट एक्स डोंट एक्सपेक्ट दैट इस पैलेट में आपको क्रीमी मैट मिलेगा तो क्रीमी मैट और मैट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो इसको ध्यान में रखना थोड़ा सा इस पैलेट को लेते हुए बाकी ये पैलेट यार मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आ, क्योंकि इस पैलेट से बहुत सारी शेड्स बन सकती हैं सो आई थिंक दिस पैलेट इज़ यूजफुल फॉर मी एज वेल तो इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ इसका प्राइस है गाइज ये और इसकी क्वालिटी बहुत, बहुत 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 अच्छी है और अगर आपको लेना है ये पैलेट गाइज तो लिंक नीचे आप वहाँ से भी ले सकते हैं एंड ऑल्सो आप किसी ऑथेंटिक ब्यूटी स्टोर में जाके भी इस पैलेट को ले सकते हो बट बी वेयर ऑफ द कॉपी ऑफ़ दिस काइंड ऑफ ए ब्रांड्स पैलेट बिकॉज ये जो होते हैं ब्रांड्स इसके बहुत सारी कॉपीज भी मिलती हैं तो उससे आप थोड़ा सा ध्यान रखना तो कॉपी मत लेना इसका मैंने आपको एक्चुअल पैकेजिंग क्वांटिटी क्वालिटी सब बता दिया है तो आई थिंक दिस वन इज द नाइस पैलेट एंड ऑल्सो गाइज में आपको बता देती हूँ ये नॉन ट्रांसफेरेबल है अगर आप अपने लिप्स के ऊपर लगाते हो तो ट्वेंटी फोर आवर नो स्मचिंग भी है बट एज well, जैसे मैंने कहा था कि यह मैट शेड है इट विल वर्क अ

ब्राइड हो या फिर बनने वाले हो तो ऑल्सो दिस पैलेट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू अगर आप ये वाला पैलेट ले लेते हो इन समर तो आपको कोई और लिपस्टिक शेड लेने की जरूरत नहीं होती है. अगर आपको पता है कि लिपस्टिक को प्रॉपरली कैसे मतलब अप्लाई करते हैं एंड प्रॉपरली तो दिस पैलेट यू कैन गो विध दिस पैलेट बहुत अच्छा पैलेट है और अगर मैं पिगमेंटेशन की बात करूँ दे आर हाईली हाईली पिगमेंटेड कलर्स इन दिस पैलेट एंड ऑल्सो गिस इज द नंबर वन ब्रांड ऑफ इंडिया इन दिस लिप पैलेट दिस इज द नंबर वन लिप पैलेट इन इंडिया सो मुझे ऐसा लगता है वर्थ है बाइंग करना बट इफ यू यूर बिगनर नहीं है तो आप इसको ना लें बट इफ यू आर लाइक आपको ब्यूटी आप इंडस्ट्रीज तो वो डेफिनेटली so अपने किट में इस तरीके के पैलेट को रख सकते हो बिकॉज आपने देखा होगा दे आर लॉट्स ऑफ पैलेट अगर मैं बात करू फॉर एवर फिफ्टी टू एंड ऑल्सो करैक्टर कॉस्मेटिक्स की मैं बात करूँ उसमें लेकिन मुझे ऐसा रिकॉर्ड का पैलेट खरीदना ज्यादा है वो बहुत ही अच्छा है और नॉन ट्रांसफेरेबल है, है तो इस नतीजे में मुझे ऐसा लगता है कि ये लिप पैलेट लेना बहुत बहुत इसमें बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर आप ये वाला लिप ले पैलेट लेते हो तो सो इट्स गुड टू गो विध दिस पैलेट तो मैं इसको दूंगी फोर आउट ऑफ फाइव गाइज तो गाइज मेरी तरफ ओवर येस है दिस इज नाइस पैलेट गाइज आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा बट आप प्लीज 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 इसमें ये मत सोचना कि ये uh, जो है क्रीमी मैट है बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं इस चीज का ल्यूजन हुआ था कि थोड़ा सा क्रीमी मैट होगा बट दिस इज हार्ड कोर हार्ड कॉर मैट लिपस्टिक है गाइज जिसकी शेड आपके बिल्कुल रफली आते है ना वो वाला मैट लिप शेड्स है इसके अंदर गाइज तो आई होप आपको ये रिव्यू जो है यूजफुल रहा होगा अगर है देन मेक श्योर हिट ड लाइक बटन डू कमेंट बिलो एंड डू सब्सक्राइब टू बेल अ ब्लश और गाइज इसके अलावा आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हो टिल देन इट्स टाइम फॉर लंच सो टिल देन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो में